गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, नेम इज प्ले विद पैटर्न्स, क्लास फोर्थ मैथ्स. सो फर्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैटर्न? पैटर्न होता क्या है? इट इज़ अ रिपीटेड डेकोरेटिव डिज़ाइन. किसी भी चीज़ में एक पर्टिकुलर शेप को बार बार रिपीट करके बनाई गई डिज़ाइन को पैटर्न बोलते हैं. इट इज़ अ रेगुलर फॉर्म और ऑर्डर इन विच अ सीरीज ऑफ थिंग्स अकर. और कई बार ऐसी सीरीज भी हो सकती है जिसमें कई डिज़ाइंस को रिपीट किया गया है. पैटर्न विद कलर्स, कलर के साथ भी पैटर्न हो सकते हैं. आप यहाँ पर देखिए, एक सिंपल सा पैटर्न है, पिंक रेड, रेड पिंक, रेड पिंक. नेक्स्ट, पैटर्न विद थिंग्स, किसी चीज़ से भी पैटर्न को बनाया जा सकता है. जैसे कार बॉल, कार बॉल, कार बॉल. यहाँ पर दो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कार बॉल. नेक्स्ट, पैटर्न विद शेप्स, शेप्स के साथ भी पैटर्न बनाया जाता है, लाइक ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सिलेंडर, ओवल. आप यहाँ पर पैटर्न्स में देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को अरेंज करके पैटर्न फॉर्म किया गया है. पैटर्न विद साइज, सेम डिज़ाइन है, सेम शेप है, पर उसका साइज चेंज करके भी एक डिज़ाइन, एक पैटर्न फॉर्म किया गया है. बिग स्मॉल, यहाँ पर रैपिड रैबिट को रिपीट किया गया है. पैटर्न विद फ्रूट्स, यहाँ फ्रूट्स को देखिए डिज़ाइन बनाया गया है, ये आपको पैटर्न दिख रहा है. टेक दीज पैटर्न्स फॉरवर्ड. यस, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्कल को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और एक पिंक ब्लॉक, 1/4 पार्ट जो पिंक कलर से शेड किया गया है, वो मूव कर रहा है. आपको यहाँ पर इसका पैटर्न, इसका मूवमेंट समझना होगा. आप देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ये पार्ट है आपका पिंक, नेक्स्ट ये पार्ट आपका मूव कर रहा है टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेक्स्ट स्टेप पर आ गया, नेक्स्ट में फिर चेंज हो गया. तो अब आपको बताना है कि नेक्स्ट शेप में ये पिंक पार्ट कहाँ पर आ जाएगा. ये पिंक पार्ट आ जाएगा, आप देखिए, ये पार्ट आप पिंक करेंगे. एंड नेक्स्ट, ये फिर नेक्स्ट, ऐसे आपको पैटर्न फॉर्म कर लेना है. ओके, पैटर्न विद अल्फाबेट्स, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि आप अल्फ़ाबेट्स के साथ पैटर्न को कैसे बनाते हैं. आप यहाँ पर ब्लॉक में देख सकते हैं, ए बी सी को एक ओवल शेप में या एक ग्रुप में रखा गया है. देन डी ई एफ, जी एच आई, तो यहाँ कोई गैप नहीं है, सिंपल अल्फ़ाबेट्स के तीन तीन के बंच बनाए हुए हैं, है ना, उनको एक साथ में अरेंज किया गया है. आप ऐसे ही आंसर देखिए, फर्स्ट में नेक्स्ट हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई K L M, then N O P. Similarly, next पे आप देख सकते हैं A B. अब आपको find out करना है कितने का gap है A B के बाद. D को, C D को इन्होंने छोड़ दिया है, C D को इन्होंने छोड़ दिया है, बीच में आपने लिख लिया, आपको easily समझ में आ जाएगा. A B C D E F G H को आप छोड़ देंगे, I J K L M N O P Q R. तो आपको पता चल गया है कि आपको किन अल्फाबेट्स को छोड़ना है और किन को आपको ब्लॉक में लिखना है. पैटर्न विद नंबर्स, अब आपको पैटर्न नंबर से फॉर्म करना है. ये भी बहुत ईजी है. इस टाइप के पैटर्न में आपको सबसे पहले समझना होगा कि जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनके बीच में गैप क्या है. वो रिपीट हो रहे हैं, उनमें कुछ पर्टिकुलर नंबर ऐड किया जा रहा है या कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, कुछ मल्टीप्लाई किया जा रहा है. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2, देन 12, एंड नेक्स्ट नंबर इज 22. इट मीन्स यहाँ पर 10 नंबर को ऐड किया जा रहा है. तो आपका नेक्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32, देन 42, 52, 62 एंड लास्ट इज 72. इस टाइप से आप नंबर पैटर्न को भी फॉर्म कर सकते हैं. आप नेक्स्ट में ये आप खुद से करेंगे, 5, 10, 15. देन आप यहाँ पर फाइंड आउट करिए कि कितने का गैप है, क्या नंबर आप ऐड कर रहे हैं. 5 को ऐड किया जा रहा है, तो नेक्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 20, देन 25, देन 30, 35 एंड 40.
यूज नंबर्स 1 to 6 टू मेक योर ओन मैजिक ट्राइंगल. यहाँ पर ट्राइंगल है और ये जो ब्लॉक्स में दिए गए हैं इनमें आपको ऐसे नंबर्स को फिल करना है जिनका सम होना चाहिए 6, 9, 5, 4, 1. ओके, हियर इज अ रूल, नंबर्स ऑन ईच साइड मस्ट एड अप टू 10. इनका जो सम है वो 10 होना चाहिए. 5, 4, 10, 5, 4, 10. आप यहाँ पर देख सकते हैं 5, 4, 10, इनका सम 5, 4, 10 है. 5, 2 and 3, इनका सम भी 10 है. तो आप यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर लिखेंगे जो इनका भी एडिशन 10 ही हो. 3, 4, यहाँ आप नंबर फिल करेंगे 6. ओके, नंबर टावर्स, ये बहुत ही सिंपल है नंबर टावर्स को सॉल्व करना. इसमें बताया गया है कि कोई भी नंबर जो भी बेस पर लिखे हुए हैं और उनके ऊपर बने हुए बॉक्स में उन दोनों नंबर्स का एडिशन आएगा. जैसे आप देख सकते हैं 25 कैसे आया है 10 एंड 15 को ऐड अप करके. सिमिलरली ऊपर जो 15 लिखा हुआ है वो कब आया है 10 और 5 को ऐड करके. एंड लास्ट जो आंसर हमारा 40 है वो है 15 एंड 25 का एडिशन. सिमिलरली आप इसको सॉल्व करके, यहाँ पर सेम बॉक्स है 15 एंड 40. आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा. राइटिंग कोड्स, ये बहुत ही सिंपल है. सीक्रेट मैसेज आप इससे लिख सकते हैं. हमने सभी अल्फ़ाबेट्स को नंबर में कन्वर्ट कर दिया है. A1 नंबर, B2 नंबर. सिमिलरली सभी अल्फ़ाबेट्स को हमने एक नंबर असाइन कर दिया है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग. एंड Z जो है वो है 26 नंबर. राइट द कोड फॉर बैग. तो अब हम यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे. बैग B is 2, A 1 एंड G is 7. सो हम बैग को लिख सकते हैं 2, 1, 7. हिम H फॉर 8 नंबर, 8 नंबर फॉर H, I 9 नंबर एंड M है 13 नंबर. एंड लास्ट लीड L 12, E 5, A 1 एंड D 4. तो ऐसे आप हिम, लीड, बैग या जो भी आप वर्ड्स को चेंज करना चाहते हैं उन्हें आप सीक्रेट मैसेज की फॉर्म में लिख सकते हैं. अदर पैटर्न्स, ये आपको कुछ ब्लॉक्स दिए गए हैं, डिज़ाइंस दिए गए हैं. इन डिज़ाइंस को रिपीट करके, अरेंज करके आप बॉर्डर या बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना सकते हैं. या फिर आपने अपने घर में बहुत सारी चीज़ों जैसे बेडशीट, टाइल, वॉल, साड़ी या फिर अदर चीज़ों पर ऐसे डिज़ाइंस को देखा होगा. ये भी आपके पैटर्न के अंडर ही आते हैं. ओके, थैंक यू.